राजनांदगांव जिले में हर साल 15 अगस्त का कार्यक्रम म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड या स्टेट स्कूल ग्राउंड में होता था, लेकिन इस बार भावी बरसात को देखते हुए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रखा गया। वही इस संबंध में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि ज्यादा पानी गिरने के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पीटीएस ग्राउंड में ही कराया जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमारी आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करने वाला दिन है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कई देश प्रेम से संबंधित झांकियां भी कार्यक्रम में दिखाई जाएंगी। राजनांदगांव में 15 अगस्त जो है पिछली बार स्टेट स्कूल में हुआ था, इससे पहले म्यूनिसिपल स्कूल में होता था, लेकिन इस बार चूंकि म्यूनिसिपल स्कूल में ग्रास वहाँ पे लगा दिए हैं तो स्टेट स्कूल में करने का था, बट इस बार काफ़ी तेज बरसात हुई, लगातार बरसात हुई, तो इस कारण से हमें ग्राउंड जो है एक अच्छा ग्राउंड पीटीएस का वो मिल गया है और उसमें बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, वो वहाँ पे लगातार परेड होती हैं, उस ग्राउंड पे आज हम लोगों ने रिहर्सल भी किया है और बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, बहुत अच्छा रिहर्सल हुआ है, बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा आज रिहर्सल में उन्होंने बताया है, शहर से पास भी है और एक अच्छा एक नई जगह पे बड़ा ग्रीनरी है वहाँ पे, तो एक अच्छा लगेगा सब लोगों को। शहर के सारे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा कि 15 अगस्त में सब लोग वहाँ पे आएँ और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे है ना, उन लोगों ने जैसा वीरता के साथ देश को आज़ाद कराया, तो ये उन लोगों को याद करने का समय है और इस अवसर पर वो भी आएँ और सबको एक बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देशभक्ति पर आधारित वहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा परेड का वो भी आयोजन है, वो भी देखने को मिलेगा। और तैयारी हमारी ऑलमोस्ट पूर्ण हो गई है, स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, तो हमारी तैयारी पूर्ण हो